हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सामने क्वेश्चन विजुअल है, बैलेंस शीट के नीचे थोड़ा लिखा हुआ जरूर है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन को मैं एडजस्ट करता जाऊंगा। जिनके पास किताब है किताब में क्वेश्चन नंबर गिवन है। हाँ हो सकता है मे भी कुछ बच्चों के किताब में ना हो, तो मैंने सामने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया, उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे सारा हम। सर इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीपीटी का है, और एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है जो कि हम करने वाले हैं इस सवाल के अंदर। क्या कहता है सर, सबसे पहले सबसे पहली बात करता है कैपिटल दे रखा है आपको 1 लाख रुपए, तो इस साइड में सबसे पहले लिखने जा रहा हूं कैपिटल। आप भी फॉर्मेट जैसे बना लिया होगा आपने, 1 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी कहता है आपका 78,000, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी 78,000। इसके बाद कहता है फर्नीचर सर 2,000 का है, थोड़ा गैप देके फर्नीचर 2,000 रुपये, इस पर तो काफ़ी एडजस्टमेंट है। परचेज एंड सेल्स आपका परचेज 6,000 है, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, सर परचेज जो दे रखा है 60,000 है, और बाय सेल्स, और सेल्स इस सवाल में देखें तो कितने का, 1,27,000। आगे देखा जाए तो रिटर्न, रिटर्न की बात करें 1,750, तो सर यहां से जो रिटर्न होगा ना, अब मुझे बताइए परचेज रिटर्न और ध्यान दीजिए सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, यहां ये तो नहीं बताया सवाल में कि आपका परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न, जस्ट इसने एक वर्ड बोल दिया रिटर्न, नहीं पता परचेज रिटर्न। तो अब आपको देखना पड़ेगा जो डेबिट में है ना, जो डेबिट वाला है हमारा, दैट इज हमारा क्या होगा सर, ये सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट वाला होगा वो परचेज रिटर्न। रिटर्न के केस में इनका ना साइड उल्टा हो जाता है, तो डेबिट वाला हमारा क्या है सर, परचेज रिटर्न, दैट इज 1,000 रुपीज, और क्रेडिट वाला सेल्स रिटर्न है दैट इज 750 रुपीज। 1,000 डेबिट वाला, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न, तो ये है हमारा 1,000 और ये 750। आगे आ जाते हैं स्टॉक, तो स्टॉक आपको देता है 30,000 का, मैंने स्टॉक लिख दिया। स्टॉक के बाद बात करते हैं डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे सवाल में ना सिर्फ डिस्काउंट बोला हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट दोनों तरफ है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। जो डेबिट के अंदर डिस्काउंट है ना, दैट इज आपने डिस्काउंट किसी को दिया है, और जो क्रेडिट में आपने लिया है, तो डेबिट वाले डिस्काउंट को हम लिख देंगे पी एंड एल में। मैं यहां से यहां तक पार्ट छोड़ देता हूं ट्रेडिंग का, इसके नीचे पी एंड एल है, तो टू डिस्काउंट। सर डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 425 का, सिर्फ डेबिट में ही नहीं आएगा ये, क्रेडिट में भी आएगा बाय डिस्काउंट, और ये हमारा 800 रुपीज। इसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर है, तो सर जो डेबिट में है डेटर और जो क्रेडिट में है क्रेडिटर, तो पहले मैं क्रेडिटर लिख दूं। सर क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर हमारा गिवन है 25,000। डेटर भी लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑल्दो लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं बाय डेटर, बाद में इसे ऊपर कर देंगे। बाय मैंने क्यों लिख दिया, बाय तो आएगा ही नहीं, सिर्फ डेटर, बाद में इसे ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। सर डेटर है हमारा कितने का, 45,000, बाद में ऊपर करेंगे इसको। सैलरी देता है 7,550, टू सैलरी 7,550। देखो जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, मुझे एक टेंशन हो रही है कि यार किस पे एडजस्टमेंट है किस पे नहीं है। इस टेंशन को दूर करने के लिए पहले ना एक बार एडजस्टमेंट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट। सर क्लोजिंग स्टॉक पे है, डाउटफुल डेट्स पे है, ठीक है इसे भी अंदर लिखना था बाहर लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी पे भी है, और पर्सनल यूज एडिशन ये किसकी बात कर रहा है, परचेज के ऊपर भी है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, परचेज फर्नीचर के ऊपर भी है, सर सितंबर को मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हमारा बैलेंस मशीन के ऊपर भी है, तो ओवरऑल आइडिया लग गया सर इसके ऊपर तो नहीं है सैलरी के ऊपर, तो इसको अब हम 7,500 कहाँ लिख देंगे सर, ये थोड़ा गैप कम कर दूंगा मैं, और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ टू सैलरी। सर 7,750 का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पे भी नहीं है 10,000, तो मैं टू साइड में परचेज के नीचे लिखूंगा,
मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, थोड़ा डब्लू कर दिया, वेजेस, कैरिज आउटवर्ड 1200, तो आउटवर्ड पीएनएल का पार्ट होता है, 1200 रुपये। कैरेज आउटवर्ड के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये वाला बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल कहाँ जाएगा, कहाँ गिवन है, पहले तो ये चेक करो ट्रायल में। अब ट्रायल में लिखा था तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, बाय प्रोविजन। कितने रुपए सर, 525। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 10,000 रुपये, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, लाइबिलिटी थोड़ी है। अच्छा लिख दिया मैंने लाइबिलिटी में, पांच सौ पच्चीस है ना, ठीक है। अब रेंट रेट टैक्सेस कितने का है सर, 10,000। सर इसके बाद गिवन एडवर्टीजमेंट 2000, एक इस पे एडजस्टमेंट करेंगे। भैया आवाज पीछे से नहीं आनी चाहिए, 2000। इसके बाद एडवर्टीजमेंट के बाद है कैश 6900 रुपीज, दैट इज ऑल्सो एसेट्स है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना सर्कल लगा लेता हूँ, स्टार लगा लेता हूँ, बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, जब मैं इस क्वेश्चन को हटाऊंगा तो फिर पीछे लिख लूंगा, ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट कहता है क्लोजिंग स्टॉक है, तो सर क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ आ जाएगा, एडजस्टमेंट फटाफट कर लेते हैं, तो बाय साइड में आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का, 34,220, 34,220। एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब कहाँ शिफ्ट करें इसको, छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, ऑल्दो आपको दिख गया होगा ये, ठीक है। डेटर भी दोबारा लिख लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी, सबसे पहले लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 34,220। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो पहले डेटर लिख लेते हैं सर, तो डेटर कितने का, डेटर 45,000 माइनस पीएफडी। अब कहता है कितने परसेंट है ये, परसेंटेज ना देके इसने अमाउंट दे दिया 500 रुपये, तो अब इस पीएफडी को हम इधर दिखा देते हैं, बुक वाले कुछ अलग ही करते हैं, बुक वाले पता है क्या करते हैं, इस 500 में से ना कभी इधर माइनस कर देंगे वो, कभी इधर कर देंगे, तो थोड़ा बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है सर डेबिट में माइनस करें कि क्रेडिट में, एक जगह बताओ ना वहीं कर लेंगे हम। तो इसका मैंने सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला कि जो भी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है ना उसे क्रेडिट में लिखो, जो एडजस्टमेंट में उसे कहाँ लिख दो, डेबिट में, सीधी सी कहानी है। आप बुक में देखोगे कई बार वो ट्रायल वाला पीएफडी ना इधर ले रहा होगा, कई बार ट्रायल वाला पीएफडी इधर ले रहा होगा, लेकिन मैंने सिंपल सिंपल सा बोला जो ट्रायल वाला इधर लिखो इधर, सर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो टोटलिंग में ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट लग जाएगा, उसकी चिंता करनी ही नहीं है आपने। सर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाद में देखेंगे, अभी द प्रोपराइटर हैज टेकन गुड्स 5,000 रुपये। प्रोपराइटर कहता है कि भैया हमने 5,000 रुपये का गुड्स टेकन किया है पर्सनल यूज के लिए, एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स वर्थ 1,000 रुपये, दो चीजें हैं। तो सर सबसे पहले प्रोपराइटर यूज कर रहा है, तो ड्राइंग कितने का, 5,000 रुपये का, तो आपको बताया था एक गुड्स यूज वाला एडजस्टमेंट, दूसरा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा एज अ ड्राइंग 5,000, और एक बताया था फ्री सैंपल है वो भी माइनस हो जाएगा, कितने रुपए हैं, 1,000 रुपए। इसकी डबल एंट्री यहां जाएगी, टू एडवर्टीजमेंट कर दो या फिर फ्री सैंपल कर दो, आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला इसके अंदर। इधर हटा देते हैं, फिर इसका टोटल सीधा यहां चलेगा। आगे देखा जाए तो क्या कहता है सर, परचेज ऑफ फर्नीचर 920 पास थ्रू द परचेज बुक। इसका मतलब क्या है, हमने कोई परचेज फर्नीचर खरीद लिया और इसको मैंने एंट्री कहां कर दिया, परचेज बुक के अंदर। तो इसका मतलब मेरा फर्नीचर जो लिखा हुआ है मैंने कितने का खरीदा है, 920 का, हैज बिन पास थ्रू द परचेज बुक, तो परचेज गलत लिखा हुआ है यहां पे,
जो ये परचेज लिखा हुआ है ना सर, ये गलत लिखा हुआ है सर। क्या गलती है इस परचेज के अंदर? इस परचेज के अंदर हमारा फर्नीचर भी जुड़ा हुआ है। हम बात करें ना, इस परचेज के अंदर हमारा एक फर्नीचर जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस कर दूंगा फर्नीचर कितने रुपए का, 900, और दूसरा इस फर्नीचर में ऐड कर देंगे फर्नीचर 920। यानी जो अब हमारा परचेज होने वाला है कितने का होने वाला है, 2900, यानी 2920 रुपए। सिंपल सी बात समझ में आई, पहले ये सर एडजस्टमेंट को देखो। अब बात करते हैं सर, यहाँ ना फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है ही नहीं। जब फर्नीचर पे ही यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, जैसे हमने करना था नॉर्मली कर लिया। अभी इसकी जनरल भी करेंगे, क्योंकि हम ना एग्जामिनर का ना थोड़ा सा पेपर बनाने का ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो हम उसके हिसाब से अभी सभी का जनरल एंट्री भी कर लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन में आता है तो कुछ भी पूछ ले, हम जवाब दे पाए उसका। अगला पॉइंट कहता है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भैया हम जो है ना मशीनरी, जो मशीनरी है उसकी वैल्यू 75,000 रुपये होनी चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कितना है सर, 78। यानी रीवैल्यूएशन की वजह से मेरे एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई, कितने रुपए का डाउन हो गया सर, 3,000, तो ये नुकसान है। तो मैंने एक रीवैल्यूएशन एसेट्स वाला आपको एडजस्टमेंट कराया था याद हो, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर बढ़ता है तो क्या ट्रीटमेंट है, घटता है तो क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपका बढ़ जाता था तो हम रिजर्व क्रिएट कर लेते थे किधर, लाइबिलिटी साइड में, और घट जाता था तो P&L के डेबिट में दिखा देते थे। तो यहां पे हमारा प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूएशन हुआ है, कितने रुपए का नुकसान हो गया बीच में, 3,000 का। अब जो प्लांट एंड मशीनरी यहां 78 लिखा है सर, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता आपका, आपको यहां पे जो प्लांट एंड मशीनरी लिखना पड़ेगा ना, वो नई वाली वैल्यू दिखाना पड़ेगा, दैट इज 75। डेप्रिसिएशन कहता है 10%, इसके ऊपर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन सर आप, कितने, 750, और ये डेप्रिसिएशन आपका इधर आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन 750। पहले आप ये देख लीजिए एक बार, ये देखिए एडजस्टमेंट, कल से रेगुलर क्लास होगी, बच्चे पूछ रहे हैं कब से होगी, कल से होगी, मैं अभी टाइमिंग बता दूंगा, कल की टाइमिंग 11 बजे है सुबह की, अच्छा 7 सही, 7500, 10 और लगे है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक कैश का बैलेंस लिखना छोड़ दिया था हमने, दैट इज कैश का बैलेंस है 6900, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं, फटाफट से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 60,000 माइनस 750 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 920, ये आ गया 52, ये आ गया 126 प्लस में 34,220, 250 नहीं, 126 34220 160220 160220 160220। टू जीपी सर, जीपी की बात कर रहे थे, जीपी माइनस कर लेते हैं ना, 30,000 52,330, चेक करिएगा जीपी, 67,890, बाई साइड में आ जाएगा जीपी 67,890। सर यहां से क्या निकालोगे, एनपी निकाल लेंगे यहां से जी, 67,890 प्लस 800 प्लस 525, ये आ गया सर 69,215। सर इसके बाद क्या आएगा यहां पे, टू एनपी, एनपी माइनस करते हैं 425 7550 1200 10,000 2,000 500 1,000 36,040, चेक करिए एनपी,
तो यही आ जाएगा यहाँ पे प्लस एनपी, यही है ना 36। अब एक चीज नोटिस करना, आपके पास बुक है, जिनके पास आंसर में देखना, पीएफडी ऐसे नहीं किया होगा उन्होंने, पीएफडी उसने कुछ और कर रखा है, लेकिन आंसर नेट प्रॉफिट सेम आएगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार 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 रिपीट करता हूं, लेकिन बच्चे बार बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं। माइनस 5,000, 1,31, 0,40 प्लस 25,000, बैलेंस शीट का टोटल चेक करिए, 1,56,040, 1,56,040, क्या यही टोटल है? क्वेश्चन को हटा देते हैं अब। बैलेंस शीट का टोटल चेक करिए, 45, चौवालीस, 44, मैंने भाई 3 बार पूछ लिया, टोटल बताइए। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री की बात करते हैं। सर सेम है कहां से समझ? अभी क्लास का टाइमिंग का देख लेते हैं। अब जनरल एंट्री देखो, मैं नए पेज पे चलता हूं। कल रजिस्टर चेक करेंगे ऑफलाइन वाले बच्चों के सारे क्वेश्चन के। ठीक देखिए, आज क्वेश्चन देंगे, कल देखते हैं, अभी उस पर बाद में बात करते हैं कैसे क्या है नहीं है। अब ना एडजस्टमेंट कहता है क्वेश्चन की, इसमें क्या कह रखा था क्वेश्चन है नीचे कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो तो हम बना चुके हैं। एंड कहते, मैंने कह दिया ऑल्सो पास जर्नल, ऑल्सो पास जर्नल, तो जर्नल एंट्री जो इसके अंदर होता है ना, इनका कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होता, क्योंकि जर्नल एंट्री पास हुआ था, फिर लेजर बना और फिर वहां से उठ के आया यहां ट्रायल में, तो इसका जर्नल एंट्री पास हो ही चुका है। ये वो आइटम है जिसका जर्नल नहीं हुआ, लेजर भी नहीं हुआ और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं गया, तभी तो ट्रायल बैलेंस के बाहर रही है, तो जर्नल एंट्री सिर्फ इसका पास होगा। एक बात आपको ध्यान रखना, एग्जाम में जर्नल एंट्री इसका विदाउट जीएसटी, विद जीएसटी वो सारी बातें कर लेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा सर? पहला जर्नल एंट्री सर, क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग में जाता है ना, और ट्रेडिंग के जाता है बाय साइड में, ट्रेडिंग के बाय साइड में जाता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्री अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो कई बार अकाउंट से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। जैसे बाय में क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय वाले को आप डेबिट में लिखेंगे हमेशा, और टू वाले को हमेशा लिखेंगे क्रेडिट में। तो मैं इसकी एंट्री करने वाला हूं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, टू ट्रेडिंग। और याद रखिएगा, बैलेंस शीट के अंदर जो जाता है ना,
उसकी कभी जनरल एंट्री नहीं होती, जो पीएनएल के अंदर होगा उसी की जनरल एंट्री होगी ऑलवेज। तो पहली एंट्री हमने डन कर दिया, जो कि अमाउंट तो वही रहने वाला है, किसी को दिक्कत? 34,220। अगले पॉइंट की बात करते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू देखिए। पॉइंट नंबर टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल कीप 5%। तो डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल की वजह से हमेशा याद रखिएगा, डेटर में से माइनस हालांकि कर देते हैं हम, लेकिन नॉर्मली डेटर पे फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डेटर में से हम माइनस कर देते हैं लेकिन डेटर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री क्या करोगे सर आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री, वैसे यहाँ डेटर से इंपैक्ट में हम लेंगे तो खर्चा एक तरीके से हमारा, यानी डेटर एसेट्स है, डेटर क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है ना, तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी। डेटर को कम करेंगे हम तो डेटर हो जाएगा क्या हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, टू में हो जाएगा। अगर आपका डेटर कम होता है तो डेटर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और पीएफडी कहाँ चले जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, पीएफडी यानी एज अ पीएफडी को आप खर्चा मान लेते हो और डेटर को आप रिड्यूस कर देते हो। तो ऐसे ही एंट्री कर देंगे हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू डेटर। हालांकि आपने 12th क्लास में ये एंट्री नहीं करी होगी, रिवैल्यूएशन में जाता था वहां पे, तो वो एंट्री यहां नहीं करेंगे हम। सर जो भी एडजस्टमेंट से निकल के आया, जैसे हमारा है 7500, तो 7500। तीसरा नहीं, 500 आया था ना, 7500 तो मशीनरी का आया था, 500 रुपये। तीसरा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, 7500 आया था तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 7500। सर डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों, डेप्रिसिएशन खर्चा है डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी घट जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी, चलो आगे देखेंगे। अगले पॉइंट को देखते हैं, प्रोप्राइटर ने गुड्स टेकन कर लिया तो सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितने, अच्छा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और एक और पॉइंट इसने क्या करा था, रिडेम्पशन फ्री सैंपल, और टू में क्या लिखे सर, टू में परचेज। मैंने बताया था जब कभी भी गुड्स यूज होगा ना तो एक ही कहानी आएगी, परचेज। सर इसका बींग क्या होगा, जो एडजस्टमेंट है वही बींग होगा, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, और इसका बींग हो जाएगा प्रोविजन मेड ऑन द डेटर, इसका डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फ्री गुड्स यूज बाय द प्रोप्राइटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो ये कितने का है, और ये चौथी पांचवी एंट्री। पांचवी एंट्री क्या कहता है, परचेज फर्नीचर इंक्लूड इन द परचेज बुक। तो सर परचेज को कम करो और फर्नीचर को बढ़ाओ, तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट टू परचेज 920 रुपये, 920 रुपये। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, 6 नंबर। अगला कहता है कि रिवैल्यूएशन हुआ एसेट्स, रिवैल्यूएशन की वजह से आपको नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और टू किस पे नुकसान हुआ, प्लांट एंड कितने रुपए का, बस ये जनरल एंट्री हो गया इसका। तो मैं 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा जनरल एंट्री वाले। हालांकि तो आपने क्वेश्चन देखा कि इसके अंदर पहले हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, अब पूरा क्वेश्चन करने के बाद फिर हमने इसका क्या देख लिया सर, जनरल एंट्री। तो एग्जामिनर का पॉइंट देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बनवाए, पी एंड एल और जनरल एंट्री भी। हो सकता है एग्जामिनर क्या कर दे, ये पूरा क्वेश्चन देगा और इसमें से उसने बना दिए कितने, 10 पॉइंट, 10 नंबर का क्वेश्चन दिया, इसमें से बनाया उसने 10 पॉइंट। 10 पॉइंट क्या बनाया कि नेट प्रॉफिट बताइए, जीपी बताइए, केस स्टडी टाइप का, केस पॉइंट नंबर वन 1 नंबर का, नेट प्रॉफिट बताइए, जीपी बताइए, आप प्लांट एंड मशीनरी पे आफ्टर डिप्रिसिएशन वैल्यू बताइए, जो कि हमारा क्या आ रहा है 6750। यानी आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि आपसे एनपी पूछ लिया उसने, तो भैया एनपी कैसे निकालेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। जीपी कैसे निकालेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछ लेगा एडजस्टमेंट क्या होगा। ऐसे तरीके से 10 क्वेश्चन पूछ लिए, 10 नंबर में 5 नंबर की 5 क्वेश्चन दे दिए और उसके बोले जनरल एंट्री करके दिखाइए, तो आपके
देख रहे हो, पूरा सवाल ही चेंज हो गया। ना तो आपको ट्रेडिंग बनाना है, ना तो पीएनएल बनाना है, कुछ नहीं बनाना। फाइनल अकाउंट आएगा, पेपर में आएगा। हम तो कौन से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, इस वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पेपर में पता चला है एमसीक्यू आ गया है तो। और दूसरा कुछ पार्ट क्या आ गया, जर्नल एंट्री का। तो वहां पे हमारा क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि पेपर टफ आ गया, टफ नहीं आ गया, एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। तो अब आपको ना उस ट्रेंड के हिसाब से मैं बताता जाऊंगा कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम का पेपर था ना कॉर्पोरेट अकाउंट में, वहां भी फाइनल अकाउंट है, उनमें ये पूरा अकाउंट ही नहीं पूछा, वहां पे पूछ लिया उनसे रिलेटेड सिर्फ एमसीक्यू। तो इसलिए हर चीज को आप फैक्ट मान के चलेंगे और किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, किताब के अच्छे से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट होके जाओगे ना तो पेपर हो सकता है के पेपर का पैटर्न वही रहे जो कि पहले चलता आया था फाइनल अकाउंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जहां पेपर का पैटर्न बदला ना, तो रिजल्ट ये होता है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता, आप सारी चीजें करके चलना है आपको। प्लांट एंड मशीनरी का अगर, क्योंकि वैल्यूएशन होके इसने बोल दिया था 75 हो गया, तो रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू लिखी है मैंने। ये मैंने 3,000 वहां घटाने की बजाय मैंने डायरेक्टली 75 कर दिया उसको, नहीं तो होना ये था 78, फिर पहले -3 बचता 75, और 75 पे 10% का डेप लगाते हैं। मैं स्पेस बचाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया है। कोई दिक्कत, फटाफट से नोट कर लीजिए।